वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। आज हम डे 5 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, ये का सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू रेट परसेंटेज पर एनुअल, फाइंड द रेट परसेंटेज, ठीक है। तो इधर देख, प्रिंसिपल हमने टी ले लिया, प्रिंसिपल हमने पी ले लिया, टाइम टी हो गया, रेट आर लिखो या टी परसेंट लिखो, ठीक है, तो आर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आर कर लेते हैं, आर परसेंटेज, तो ये हो गया आर परसेंटेज, ठीक है, क्लियर हुआ, और आर हुआ। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि दोनों सेम हैं इसलिए टी हुआ है, ठीक है, चलिए आर किया हमने पर सेम है इसलिए की कर दिया। अब प्रिंसिपल अमाउंट ये बोल रहा है क्या, 1/9 होगा, तो ये हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी से पी कैंसिल होगा, टी स्क्वायर अपॉन ये, तो ये जाएगा, टी आ गया आपका 10/10, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आ गया परसेंटेज में, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, ये शॉर्टकट है, आप ऐसे का रेट ऑफ जो ये टाइम अंडर रूट 100 × 1/9 तो सॉल्व करोगे, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए अब इधर आ जाते हैं सेकंड वाले पे, यहाँ पे आप बात करोगे, ठीक है, तो व्हाट एनुअल पेमेंट बिल डिस्चार्ज है, यहाँ पे डेबिट इतना है, ठीक है, यानी ड्यू है आपका 770 ड्यू इन 5 ईयर, 5 ईयर के लिए ड्यू है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5% पर एनुअल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले एनुअल पेमेंट हमने पी ले लिया, ठीक है, इंटरेस्ट आपका 5 ईयर का 5% है, ठीक है, तो ये आ गया आपका अमाउंट पी प्लस 1/NR/100 वैल्यू पुट की, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये तो सिमिलरली 3 ईयर का ये आएगा, 2 ईयर का ये आएगा, और 1 ईयर का ये आएगा, क्लियर हुआ। टोटल अमाउंट को ऐड कर दिया, कितना होना चाहिए इतना कैलकुलेट किया, पी की वैल्यू ये आ गई, स्टेप क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे, चलिए देखो, डेबिट में से डिस्पर्स हुआ है आपका, डिस्चार्ज हुआ है आपका 848, कितने साल के लिए, 4 ईयर, कितना परसेंटेज, 4%, यही है। चलिए तो बाय थ्योरम जो फॉर्मूला है उसके अगर एनुअल पेमेंट इक्वल टू 100 A/100 N R N-1 N/2, तो N ईयर है, R आपका रेट ऑफ चेंज है, A आपका एनुअल है, ये सब वैल्यू पुट की कैलकुलेट किया, तो एनुअल पेमेंट आपका आ गया 200, ठीक है। चलिए अब इधर देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट रेट परसेंटेज जस्ट सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 50 ईयर। अब ये 15 ईयर में डबल हो रही है, तो यहाँ पे जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो पी हो गई, पी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, और जो अमाउंट है वो डबल हो रहा है तो 2P हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो एस आई इक्वल टू 2P-P, पी हो गया, पी का फॉर्मूला आपका होता है पी पी इंटू 15 ईयर इंटू रेट ऑफ चेंज अपॉन 100, पी से पी कैंसिल हो गया, 100/15R, तो परसेंटेज आ गई आपकी 6.66, आंसर क्या हो गया, आंसर आपका सी हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं इस पे, ठीक है। सेकंड में आपको बोला है असम इज बिकम 25 इट सेल्फ इन 5 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी किया है वैसा ही होगा, तो इधर देखिए सेकंड वाले को, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल आपको पी है, और जो अमाउंट होगा, अमाउंट है आपका 28/25, पी हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट 28/25 पी माइनस पी, तो 3p/25, क्लियर हो गया। तो SI का जो फॉर्मूला होता है 3p/25 = p×5×r/100, तो r की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 12/5, 2.4%। क्लियर हुआ, डी आ गया आपका, क्लियर है। चलिए अब हम आ जाते हैं आपके 3 वाले पे। चलिए तो इसमें अमाउंट इफ 900 अमाउंट है और वो 1018 फोर ईयर में सिंपल इंटरेस्ट है, व्हाट सम विल बी अमाउंट इन द 5 ईयर, तो 5 ईयर में इतना हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, ठीक है। ठीक है, तो माइनस कर लो, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया 180, यही हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे इसकी, तो रेट ऑफ चेंज का जो फॉर्मूला होगा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, तो R स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, और कैपिटल SI कितना है × 100 और PRT, तो इंटरेस्ट रेट ये कितना ऐसा ही 100 × 100, पी है कितना 4 × प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, टाइम है 4, जीरो से जीरो कट गए, ठीक है, ना से काट दो तो ये कितना जाएगा, टू टाइम और 4 से काटोगे तो 5% आ गया, ठीक है, 5% आ रहा है आपका। चलिए अब अमाउंट निकालना है, तो ये तो 100 हो गया, ठीक है, तो लेट P=, हमने 100 रुपये से ले लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 100 × 5×5/100, तो 25 रुपये, तो अमाउंट हो गया कितना होगा 125, ठीक है। भैन अमाउंट इज 125, देन प्रिंसिपल कितना है 100, ठीक है। भैन अमाउंट इज 1275, देन पी आपका हो गया 1275, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसी टाइप से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा दी, अब प्रॉफिट और लॉस ये थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए प्रॉफिट और लॉस पे के बाद यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस पे आते हैं, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे बाई सेलिंग 60 मीटर क्लॉथ अ पर्सन गेन 20 मीटर, फाइंड द गेन परसेंटेज, यही है। चलिए
तो गेन परसेंटेज निकालना है तो ऊपर ही हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गेन गेन परसेंटेज ये हो गया 22/6 इंटू, ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे 33%। आंसर आ गया आपका बी आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, मदन भाई गुड्स कॉस्ट इतनी है, गुड्स सेम कॉस्ट इतनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेन परसेंटेज, ठीक है, तो उसने सेल कर दिए तो अब उसको गेन परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेन परसेंटेज की बात करोगे 80-6/60×100, कैलकुलेट किया तो 45% आ रहा है, क्लियर हुआ।